स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर और आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नेचर लैंडस्केप। तो आपने बहुत सारी नेचर पेंटिंग देखी होगी, लेकिन इस नेचर पेंटिंग में हम थोड़ा सा क्रिएटिव करेंगे। वो देखते जाइए आप इस वीडियो में किस तरह से हम क्रिएटिविटी के साथ इस पेंटिंग को बनाएंगे। तो दोस्तों, इस पेंटिंग का टॉपिक मैंने दिया असंतुलन परिवार, जो कि मैंने नेचर के माध्यम से इस पेंटिंग में असंतुलन परिवार को दर्शाया है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारी पेंटिंग्स आपको मेरे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड स्टार्ट कर दिया है, जो कि मल्टी कलर थोड़ा सा रखेंगे हम नेचर से रिलेटेड। अभी हम यहाँ पर स्काई कलर करेंगे। और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड बनकर रेडी है, और अभी हम यहाँ पर ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। इस ट्री में हम कई सारी ब्रांच बनाएंगे, जो कि असंतुलन परिवार को दर्शाएगी। लेकिन अभी यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप की क्रिएटिविटी है। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी क्रिएटिविटी दिखाई नहीं दे रही होगी। क्रिएटिविटी जो हम करेंगे इस वीडियो में लास्ट में देखने को मिलेगी आपको, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक दोस्तों। अभी हम थोड़ा रियलिस्टिक वर्क करके यहाँ पर ट्री की कई सारी ब्रांच निकालेंगे। और अभी हम ट्री में थोड़ा सा रियलिस्टिक वर्क भी करेंगे, ताकि पेंटिंग थोड़ी सी और सुंदर दिखाई दे। और हमारा ट्री भी बनकर यहाँ पर रेडी है। अभी इस ट्री पे हम बहुत सारी लीफ बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर रिलीफ में थोड़ी सी डिटेलिंग वर्क करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की पेंटिंग बनकर रेडी है, और इस पेंटिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्री, और ट्री पे आपको बहुत सारी लीप दिखाई दे रही होगी। ध्यान से देखिए, इस लीप पे आपको कई सारे फेस दिखाई दे रहे होंगे, और सभी लीप पे अलग अलग फेस बनाए गए हैं दोस्तों। जैसे किसी लीप पे बच्चे का फेस बनाया, तो किसी शाखा पे दादा दादी है, पापा मम्मी है, लेकिन बच्चे नहीं है। और बच्चे है तो वहाँ पर कोई किसी का ब्रदर नहीं है, किसी की सिस्टर नहीं है। इस टाइप से कहीं ना कहीं फैमिली इनकम्प्लीट है। पेंटिंग में मैंने कुछ लीप गिरते हुए भी बनाई है टूट के। तो उसका यह महत्व है कि कुछ फैमिली में ऐसा भी होता है कि मतलब किसी की डेथ हो जाती है, उस कारण भी यहाँ पर फैमिली इनकम्प्लीट हो जाती है, असंतुलन हो जाती है। मतलब देखा जाए तो फैमिली में सभी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से कई सारी फैमिलियों में असंतुलन हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी फैमिली की केयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा, और अपनी फैमिली से प्यार करिएगा। और अगर आपको ये पेंटिंग मेरी पसंद आए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।